लाइगर फिल्म के फ्लॉप होने पर विजय देवरकोंडा ने बॉलीवुड से मुंह मोड़ लिया है। इस फिल्म के जरिए विजय देवरकोंडा ने हिंदी में तो वहीं अनन्या पांडे ने साउथ में डेब्यू किया है, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिर गई, जिसके बाद विजय देवरकोंडा ने बड़ा फैसला लिया है। भारत भर में बॉलीवुड की फिल्मों को बायकॉट किया जा रहा है। भारत से प्यार करने वाले वीडियो को लाइक करें। हाल ही में जब आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई तो आमिर खान ने दरिया दिली दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया। आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के लिए फीस नहीं ली, उन्होंने अपनी पूरी फीस छोड़ दी। अब विजय देवरकोंडा की लाइगर भी फ्लॉप हो गई है। ऐसे में उन्होंने 6 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम प्रोड्यूसर्स को लौटाने का फैसला किया है। बता दें, विजय ने इस फिल्म के लिए 35 करोड़ रुपए की फीस ली थी।